बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के प्रतिद्वंदी अशोक सिंह ने सीधे सीधे मुख्तार पर मुन्ना की हत्या का आरोप लगाया है। अशोक ने कहा कि मुख्तार अपने काम करने वालों को मरवा देता है। ये जो हत्या हुई है हमारे समझ से यह विशुद्ध रूप से मुख्तार अंसारी के साजिश से हत्या हुई। जैसे मुन्ना बजरंगी ने डीपी यादव के भाई और उनके रिश्तेदार की हत्या किया था और उसी डीपी यादव और उसकी पत्नी को मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ने ले आके यहाँ से गाजीपुर से चुनाव लड़वाया था, तो क्या मान सकते हैं? डीपी यादव भी अपराधी है, ऐसा तो नहीं कि वो संत पुरुष है, वो भी अपराधी है। तो उसके भाई की हत्या हुई तो बदला लेने के लिए वो परेशान नहीं रहेगा, और ये हमको अपने साथ मिला है, लोग दोनों दोस्त हो गए हैं, तो इनके माध्यम से भी साजिश हो सकती है। दूसरा कारण, कृष्णानंद राय जी के मुकदमे में अब गवाही अंतिम स्टेज में थी, अब फैसले की लगभग स्टेज आ गई है, तो इनको शक था कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मुन्ना बजरंगी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी, राजनीति में आए, अपने लड़े, पत्नी को लड़ाए, फिर ठेकेदारी में उनका हस्तक्षेप होने लगा, गाजीपुर तक उनका हस्तक्षेप हुआ है, आप लोगों ने ही वायरल किया था एक मामला रोडवेज वाला, तो इनको उनसे अब दिक्कत होने लगी है। और ये अभी शक थे कि कहीं यह सरकारी गवाह न हो जाए कृष्णानंद राय के मुकदमे में, यह बात भी हो सकती थी, तो इस नाते इनकी हत्या इन्होंने करवा दिया। और सुनील राठी और अशोक के अनुसार मुन्ना बजरंगी धीरे धीरे मुख्तार के कामों में दखल देने लगा था और मुख्तार के ठेकों पर कब्जा करने की सोच रहा था। मुख्तार को ये पसंद नहीं कि कोई उसके कामों में दखलंदाजी करे। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी और अशोक सिंह एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने 2009 में ठेकेदारी को लेकर अशोक सिंह के भाई मुन्ना सिंह की फिल्म स्टाइल में हत्या कराई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।